हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रत्नेश में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में कृषि की कुछ ऐसी विधियों के बारे में जानेंगे जो कि स्टेट लेवल के लगभग सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या आरआरबी एनटीपीसी का या आरआरबी ग्रुप डी का या लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में लगभग एक या दो नंबर का इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि सेरिकल्चर या एपिकल्चर या वर्मिकल्चर ये सब किससे संबंधित है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो रेशम कीट पालन की विधि है या फिर केचुए पालन की जो विधि है, इन विधियों को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो रेशम कीट पालन की विधि होती है वो होती है सेरिकल्चर। सेकंड है एपिकल्चर, मधुमक्खी के पालन की जो विधि होती है वो एपिकल्चर के नाम से जानी जाती है। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन की जो विधि है वो पिसिकल्चर के नाम से जानी जाती है। वर्मिकल्चर, केचुए पालन की विधि को वर्मिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों के उत्पादन की विधि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर, अंगूर की खेती को विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। पोमोकल्चर, फलों के उत्पादन की विधि पोमोकल्चर के नाम से जानी जाती है। ओलेरिकल्चर, सब्जियों के उत्पादन की विधि ओलेरिकल्चर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स, पानी में जो पौधे उगाए जाते हैं उसकी जो विधि होती है वो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है एरोपोर्टिक, माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे एरोपोर्टिक ना होके एरोपोनिक्स होगा। क्या होगा? एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स की विधि क्या होती है? हवा में जो पौधे उगाए जाते हैं उसकी विधि एरोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है मेरिकल्चर, समुद्री जीवों के जो उत्पादन की विधि होती है वो मेरिकल्चर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इन सारी विधियों को हमने वन बाय वन करके पढ़ा, अब हम इन विधियों को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला होता है सेरिकल्चर, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये सिल्क या फिर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? सेरिकल्चर से आप याद रखिए सिर, और रेशम का, रेशम कीट पालन या फिर रेशम या सिल्क से इसे याद रखिए सिल्की या रेशमी। तो सिर के बाल कैसे होते हैं? सिल्की होते हैं या रेशमी होते हैं? सिर के बाल सिल्की या रेशमी होते हैं, तो सिर से सेरिकल्चर याद रखिए, और बाल कैसे हो गए? रेशमी या सिल्की। तो इससे क्या हो गया? रेशमी से हो गया रेशम का उत्पादन या रेशम कीट का उत्पादन। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हैं कि सेरिकल्चर क्या होता है, सिल्क या रेशम कीट पालन के जो विधि होती है वो सेरिकल्चर होती है। नेक्स्ट है एपिकल्चर, जो कि है मधुमक्खी पालन। इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे? एपी को आप तोड़ लीजिए, किसमें? ए पी, और मधुमक्खी से आप निकाल लीजिए मधु, तो क्या हो गया? ए पी मधु। अब इसे एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखिए, ए पी मधु, जैसे कि किसी को संबोधित कर रहे हो आप कि ए मधु को पियो, तो कैसे कहेंगे आप? ए पी मधु। तो उससे आप इजीली याद रख सकते हैं एपिकल्चर मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है पिसिकल्चर, जो कि संबंधित है किससे? मत्स्य पालन से। तो इसे कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे? पीसी से आप याद रख लीजिए पीसना, और मत्स्य मतलब मछली, और इन दोनों के बीच में आप ऐड कर दीजिए मसाला। क्या? जैसे कहीं पे भी मछली वगैरह कुछ बनती है तो उसमें मसालों को पीस के डाला जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मछली बनाते समय मसालों को उसमें पीस के डालते हैं। तो पीसना, क्या पीसना? मसाला, और फिर वो मछली में डालना। तो इससे आप इजीली रिलेट करके याद रख सकते हैं कि पिसिकल्चर, जो कि संबंधित है
मछली या फिर मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्या है, वर्मी कल्चर, जो कि संबंधित होता है केचुआ पालन से। दोस्तों हम सभी को ही पता है, जैसे कि केचुआ को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ वर्म, तो वहाँ से वर्म ले लीजिए, वर्म से वर्मी कल्चर ले लीजिए, और जो कि क्या है केचुआ पालन है। तो ये तो सीधा सीधा संबंध हो जा रहा है कि केचुआ की इंग्लिश मीनिंग होती है अर्थ वर्म, और वहाँ से वर्म हो गया, तो वर्मी कल्चर क्या हो गया, केचुआ पालन। नेक्स्ट है फ्लोरी कल्चर, जो कि है फूलों का उत्पादन। फ्लोरी को आप ले लीजिए फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फूल होता है, तो ये तो एकदम सीधा सीधा रिलेशन हो गया कि फ्लोरी कल्चर क्या हुआ, फूलों का उत्पादन। नेक्स्ट है हमारा विटी कल्चर, जो कि होती है अंगूर की खेती की जो विधि होती है वो विटी कल्चर के नाम से जानते हैं इसे। तो विटी को आप याद रखिए बेटी, क्या याद रखेंगे, विटी बेटी, और अंगूर से आप याद रखिए अंगूरी। दोस्तों एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, शायद आप सभी लोग इस सीरियल से परिचित होंगे, या फिर कोई ना कोई एपिसोड आप लोगों ने देखा ही होगा इस सीरियल का, तो उसमें अंगूरी भाभी आती हैं। तो वहाँ से आप याद रखिए कि अंगूरी नाम की कोई बेटी है आपके घर में। कैसे याद रखेंगे, कोई बेटी है आपके घर में जिसका नाम है अंगूरी, तो यहाँ से बेटी से क्या रिलेट हो गया, विटी। तो विटी कल्चर ये किससे संबंधित हो गया, अंगूर की खेती से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है पोमो कल्चर, जो कि होता है फलों के उत्पादन की विधि। पोमो एक प्रकार की नक्काशीदार टोकरी या फिर बास्केट होती है, तो ऐसे आप याद रखिए कि पोमो बास्केट है एक, जिसमें कि फलों को सजा के या फलों को भर के रखा है। तो पोमो नाम का एक बास्केट है, या पोमो बास्केट है एक, जिसमें कि फलों को भर के रखा हुआ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पोमो कल्चर किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन की विधि। नेक्स्ट क्या है हार्टिकल्चर, जो कि होता है बागवानी। बागवानी में किसका किसका उत्पादन होता है, फल का होगा, फूल का होगा, सब्जियों का उत्पादन होगा, ये सारे जो होंगे ये बागवानी कहलाता है। तो हार्टिकल्चर से आप याद रखिए हॉट यानी कि गर्म, और बागवानी से आप याद रखिए बाग या बगीचा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि गर्म बाग है या गर्म बगीचा है, या हॉट बाग है या हॉट बगीचा है, तो उससे याद रख लीजिए कि हॉर्टिकल्चर या बागवानी। और नेक्स्ट है फिर ओलिवो कल्चर, जो कि होता है जैतून का उत्पादन की विधि। ओलिवो कल्चर के नाम से जानते हैं जिसे। दोस्तों हम लोग के घर में ज़्यादातर यूज़ ही होता है ये ऑलिव ऑयल, जिसे हम जैतून का तेल बोलते हैं। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जैतून को इंग्लिश में बोलते हैं ऑलिव, तो यहाँ से सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ऑलिवो कल्चर ये क्या होता है, ये जैतून के उत्पादन की विधि है। दोस्तों आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये ट्रिक जो है वो थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ऐसी ही बनाई जाती हैं जो थोड़ी अजीबोगरीब हों, जिन्हें हम इजीली याद रख सकें, खुद से रिलेट कर सकें, तभी वो हमें याद रह पाती हैं। तो इस ट्रिक को आप 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा, 2-3 बार पढ़िए, फिर ये आपको कभी नहीं भूलेंगी, हमेशा याद रह जाएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में, जिनमें सबसे पहला है हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ये है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, जो कि अंडे के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति, इसका संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति, इसका जो संबंध है ये टमाटर या फिर मांस के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से संबंधित है ये बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजनाएं जो होती हैं ये उनसे संबंधित है अमृत क्रांति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।